शीशियां बदल जाती हैं, एतर चला रहा है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा ही वारिस है तो वारिस बांटेगा ना। या तो उस मकाम पर पहुंच जाओ कि मुस्तफा खुद अता करे, फिर या वारिस जो कह रहा है समझ जाओ, जब नेकी का काम कहा है तो खुद वारिस की भी क्या हैसियत है। वो कहे नबी का दीन हो और काम वो कहे, अगर काम आ गया है, दीन की खिदमत आ गई है, दिल में ख्याल आ गया है, तो झूमा करो मुस्तफा की निगाह मुझ पर हो गई, काम मुझे कह दिया। सैकड़ों या जमाने में, लाखों या जमाने में वो कर लेंगे, मैं नहीं करूंगा तो वो कर लेगा, वो नहीं करेगा तो वो कर लेगा, मैं खिदमत नहीं करूंगा तो वो कर लेगा, कोई और कर लेगा, पर तुझ पर निगाह जो हो रही थी तूने अपने आप को महरूम कर दिया। सरकार तो तुझे नवाज रहे थे कि दीन का नौकर बन जा, खादिम बन जा, काम कर ले, लेकिन नफ्स ने आकर जलील करके रख दिया। दुनिया के सारे काम हम करेंगे क्योंकि नफ्स कहता है, दुनिया के सारे काम हम करेंगे शैतान कहता है, दीन का काम आपको शैतान नहीं कहता, नफ्स नहीं कहता, बल्कि रहमान कहता है। जब इल्का आ जाए दिल में, दीन का काम करने का ख्याल आ जाए तो अल्लाह ने भेजा, और जैसे ही रुकावट का ख्याल आ जाए तो नफ्स ने डाला। किसकी माननी है? किसकी माननी है? किसकी माननी है? अल्लाह की, नफ्स की नहीं। दीन के काम का ख्याल आ जाए, मौका मिल जाए, सादत मिल जाए, और फिर वारिस की तरफ से हुक्म आ जाए तो झूमा करो कि लाखों हैं, मुझ पर ही करम होना था, मेरी आखिरत संवारने के लिए मुस्तफ़ा ने मेरी झोली में कोई काम डाल दिया है, कोई नेकी कर लूँगा, खाली दामन क्या खड़ा होऊंगा आका के आगे, तो मेरे आका खुद कुछ मोती आता कर रहे हैं, समेट ले, कुछ फूल जमा कर ले, कोई दीन के काम कर ले, ताकि जब कयामत में आए तो मेरा उम्मती तही दामा ना चला है, शर्मिंदगी ना हो उसको, कुछ ना कुछ नेकियां लेकर आए, कब्र में आए तो फरिश्ते ये ना कहें कि ईसाइयों के कब्रस्तान में जैसा होता था ऐसा ये भी है, बल्कि जब मेरे उम्मती के कब्र पर आए तो उन्हें पता हो कि दामन में सुन्नतों की खुशबू आ रही है।